दोस्तों आज के इस वीडियो में यहाँ पे हम लोग पॉलिटिकल साइंस का जो इम्पोर्टेंट मॉडल सेट है उसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को जो है तीन मॉडल सेट हम लोग कवर कराएंगे, जिनमें से आपको सारे क्वेश्चंस जो है बोर्ड एग्ज़ाम में इन्हीं मॉडल पेपर्स से देखने को मिल जाएगा। यानी कि इसको आप पढ़ने के बाद, यहाँ तीन मॉडल सेट पढ़ने के बाद आप आसानी से 50 क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों पेन और पेपर साथ में लेके बैठिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगा जिसको आप नोट डाउन कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन कह रहा है पॉलिटिक्स, क्या कह रहा है, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है, यानी पॉलिटिक्स नामक जो पुस्तक लिखे हैं वो कौन लिखे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है प्लेटो, ऑप्शन नंबर बी है अरस्तु, ऑप्शन नंबर सी है लासवेल और ऑप्शन नंबर डी है लास्की। तो यहाँ पे जो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक है वो अरस्तु लिखी हैं, ठीक है, इसलिए अरस्तु को ही कहा जाता है राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस का फादर कहा जाता है, यानी कि जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए जैसे कि देख पा रहे हैं जे एस मिल, ऑप्शन नंबर बी है एच आर टोनी, ऑप्शन नंबर सी है एल डी हाबहाउस और ऑप्शन नंबर डी है एच जे लास्की। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एच जे लास्की जो है द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, यानी कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उसका कार्यकाल कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6 वर्ष। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों राज्यसभा बोले या फिर बोले विधान परिषद, तो दोनों के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और अगर लोकसभा बोला जाए या फिर विधानसभा बोला जाए तो ध्यान रखना है इसके जो है इसका कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष होता है। तो ध्यान रखना है इसको, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि इन्हीं के आसपास से क्वेश्चंस बिल्कुल आप लोगों का क्वेश्चंस बनेगा और आप आसानी से इसको आंसर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं। तो ध्यान रखना है जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो नहीं लोकसभा में होती है नहीं राज्यसभा में, उसको बोलते हैं सेंट्रल हॉल, क्या बोलते हैं सेंट्रल हॉल, ध्यान रखना है सेंट्रल हॉल बोलते हैं। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है इसकी अध्यक्षता नहीं लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं और न ही राज्यसभा के सभापति, इसकी अध्यक्षता करते हैं राष्ट्रपति। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, यानी कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, 35 वर्ष, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो विधान परिषद जो है, विधान परिषद बोले या फिर राज्यसभा बोले, दोनों के सदस्यों का कार्यकाल होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 वर्ष। तो आप इसको अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है, यानी कि न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए विधान परिषद का। तो ध्यान रखना है विधान परिषद बोला जाए या फिर राज्यसभा बोला जाए, दोनों के लिए है 30 वर्ष, और अगर लोकसभा बोला जाए या फिर विधानसभा बोला जाए तो दोनों के लिए 25 वर्ष, ध्यान रखना है, और राष्ट्रपति बोला जाए या फिर राज्यपाल बोला जाए दोनों के लिए 35 वर्ष। तो ध्यान रखना है लोकसभा या विधानसभा के लिए सबसे कम है 25 वर्ष, विधान परिषद और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, और राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। तो ध्यान रखना है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विधान परिषद बोल रहा है तो 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन निम्न में से कौन संघ सूची का विषय है, निम्न में से कौन संघ सूची का विषय है। तो संघ सूची जनरली जो है तीन टाइप का सूची होता है, एक को बोलते हैं संघ सूची या फिर केंद्रीय सूची बोलते हैं, संघ सूची को ही ध्यान रखना, केंद्रीय सूची भी बोलते हैं, एक होता है राज्य सूची और एक होता है समवर्ती सूची, ठीक है, मेनली ये तीन ही टाइप का सूची होता है। तो संघ सूची का जो विषय है उस पर नाम ही है संघ या केंद्र सूची, तो इस पर कानून बनाने का अधिकार होता है केंद्र को, राज्य सूची पर होता है राज्य को, ध्यान रखना है, और समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट पर होता है दोनों को, यानी कि दोनों का इस पर अधिकार होता है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों जब संविधान बना तो उसके बाद जो है बहुत सारी ऐसी नई नई चीज़ें भी आई, तो उसको रखा जाता है अवशिष्ट सूची में, और इसका जो है इस पर कानून बनाने का अधिकार जो होता है वो किसके पास होता है, केंद्र के पास होता है, ध्यान रखना है किसके पास होता है,
केंद्र के पास। चलिए देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किनके पास है? तो भारतीय संघ में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो ध्यान रखना केंद्र के पास होती है, यानी कि जो केंद्र सूची है या फिर संघ सूची है और जो अवशिष्ट शक्तियां हैं ये दोनों जो है वो किसके पास है? केंद्र के पास है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? यानी भारतीय योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया 2014 में, और तभी से जो है नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से शुरू किया गया। नीति आयोग का पूरा नाम हो गया नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैकमोहन रेखा कहाँ है? मैकमोहन रेखा जो है, ध्यान रखना है मैकमोहन रेखा कहाँ पे है, तो ध्यान रखना है भारत और चीन के बॉर्डर, यानी अरुणाचल प्रदेश में जो भारत और चीन का बॉर्डर है उसी को बोलते हैं मैकमोहन रेखा, यानी कि भारत और चीन के बॉर्डर यानी अरुणाचल प्रदेश में जो सेपरेट करता है उसी रेखा को बोलते हैं मैकमोहन रेखा। और एक चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा, ध्यान रखना है रेड क्लिफ रेखा उसको बोला जाता है, ध्यान रखिएगा रेड क्लिफ रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ के कितने अंग हैं? तो ध्यान रखना है यूएनओ के जो है अंग हैं वो टोटल 6 हैं, ध्यान रखना है यूएनओ का कितना अंग है 6। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है, संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में निशस्त्रीकरण आयोग कब बना? संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में निशस्त्रीकरण आयोग कब बना? तो ध्यान रखना है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1952 में। 1952 में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में निशस्त्रीकरण आयोग बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस जो है वो मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 दिसंबर को। तो ध्यान रखना है इस तरह से आपको यही क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कर रहा है, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे वो थे मार्शल टीटो, ध्यान रखना है प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था बेलग्रेड में 1961 में हुआ था बेलग्रेड में, और इसके जो अध्यक्ष थे मार्शल टीटो। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो ध्यान रखना है टोटल जो है वो उसमें 50 राज्य हैं, यानी कि 50 राज्य हैं संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में, तो ध्यान रखना है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंस इमरजेंसी जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जाता है? तो ध्यान रखना है फाइनेंशियल जो इमरजेंसी लगाया जाता है वो अनुच्छेद 360 के तहत, तो आपको 3-4 यहाँ अनुच्छेद ध्यान रखना है। 352 के तहत लगाया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल, ध्यान रखना है नोट डाउन कर लेना है, राष्ट्रीय आपातकाल जो लगाया जाता है वो अनुच्छेद 352 का प्रयोग करके और अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके किया जाता है राष्ट्रपति शासन, जो कि अलग अलग राज्यों में लगाया जाता है, और अनुच्छेद 360 का प्रयोग करके लगाया जाता है वित्तीय आपातकाल, ध्यान रखना वित्तीय आपातकाल अब तक एक भी बार इंडिया में नहीं लगाया गया है, ठीक है। और अनुच्छेद जो 370 है वो जैसे कि आप लोग जानते होंगे वो किससे संबंधित है? जम्मू एंड कश्मीर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ध्यान रखना है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम जो महासचिव थे वो कौन थे? तो ध्यान रखना है त्रिग वेली या फिर यहाँ त्रिग लाई लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिग वेली। और अगर पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो यू थांट थे, ध्यान रखना है यू थांट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो वर्तमान महासचिव है वो कौन है? एंटोनियो गुटेरस, ध्यान रखना है कौन है? एंटोनियो गुटेरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता, तो ध्यान रखना ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ था, जो कि उस समय सोवियत संघ का ही हिस्सा हुआ करता था। तो ताशकंद समझौता जो हुआ था वो रूस के यानी कि सोवियत संघ के सहयोग से हुआ था 1966 में, जिसमें जो है भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान ने उसमें पार्टिसिपेट
किया था, तो ध्यान रखना है इसको। और इसी के तहत जो है ताशकंद में ही लाल बहादुर शास्त्री जी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षेश या सार, तो ध्यान रखना है आप कन्फ्यूज़न नहीं होंगे, दक्षेश बोला जाए या फिर सार्क बोला जाए। सार्क का पूरा नाम हो जाता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। तो ध्यान रखना है दक्षेश बोला जाए या सार्क बोला जाए एक ही चीज़ है। तो दक्षेश या सार्क का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था, तो ध्यान रखना है इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, बांग्लादेश में। दक्षेश या सार्क का जो पहला सम्मेलन हुआ था वो किस देश में हुआ था, बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया। तो इसको ध्यान रखना पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 में जो है वो गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया था। और ध्यान रखना गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, तो इंदिरा गांधी ने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति वो कौन है, रामनाथ कोविंद। और भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत चीन युद्ध कब हुआ, तो भारत चीन युद्ध जो हुआ वो 1962 में हुआ, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। और जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था, भगत सिंह ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद। तो स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने। सरदार पटेल को जो है वो लौह पुरुष कहा जाता है, भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, साथ ही साथ प्रधानमंत्री भी थे, साथ ही साथ भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, क्योंकि भारत के एकीकरण का श्रेय सरदार पटेल को ही जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन का क्या नाम है, ध्यान रखना संसद की बात हो रही तो संसद में विधान परिषद तो आएगा ही नहीं, सर्वोच्च न्यायालय इसमें भी नहीं आएगा, बचा लोकसभा और राज्यसभा। तो भारतीय संसद का जो उच्च या द्वितीय सदन कहा जाता है वो कहा जाता है राज्यसभा को, ध्यान रखना है उच्च या द्वितीय सदन कहा जाता है राज्यसभा को, जबकि निम्न या फिर प्रथम सदन कहा जाता है लोकसभा को, ध्यान रखना है इसको। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में बिहार के सांसदों की संख्या कितनी है, लोकसभा में बिहार के सांसदों की संख्या कितनी है, तो लोकसभा में जो बिहार के सांसद हैं वो हैं टोटल 40, ध्यान रखना है लोकसभा में 40 हैं और राज्यसभा में कितने हैं 16, राज्यसभा में कितने हैं 16, लोकसभा में सबसे ज़्यादा जो है वह 80 उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन जो है साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक रख सकती है, साधारण विधेयक को जो है राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 6 माह तक, कितने माह तक 6 माह तक, ठीक है। आगे अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने के लिए 1920 में किस संगठन की स्थापना हुई, तो ध्यान रखना है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए राष्ट्र संघ यानी कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी 1920 में, लीग ऑफ नेशंस, ध्यान रखना है लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी 1920 में, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी। है भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ, यानी कि प्रथम आम चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव को बोलते हैं, तो भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था 1951 के लास्ट में शुरू हुआ था और 1952 में कंप्लीट हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1952, ध्यान रखना है भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ 1952। और भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, ध्यान रखना है सुकुमार सेन, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वो 1945 में हुई थी, 24 अक्टूबर 1945, ध्यान रखना 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो मनाते हैं वो 24 अक्टूबर को मनाते हैं, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये किसका एक अंग है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो है हेग में, द हेग, ये पड़ता है आपका नीदरलैंड में, किस में पड़ता है नीदरलैंड में ये आता है हेग, यहीं पर जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देख लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है वो
15 जज होते हैं, 15 जो है वो इसमें जज होते हैं, ठीक है। और प्रत्येक का जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष का होता है, ध्यान रखना 9 वर्ष का होता है और 15 जज होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित किया गया था? तो ध्यान रखना है ये बेलग्रेड में आयोजित किया गया था 1961 में। 1961 में कहाँ आयोजित किया गया था? बेलग्रेड में, ध्यान रखना है बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, किस वर्ष में पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना की? तो सबसे पहले देख लेते हैं नाटो का पूरा नाम। तो एन से होता है नॉर्थ, ए से अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक, टी से ट्रीटी और ओ से ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का पूरा नाम होता है। इसकी जो स्थापना हुई वो हुई थी 1949 में, 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। ध्यान रखना नाटो जो है ये अमेरिका के जो है अगुवाई में बनाया गया एक सैन्य संगठन था, जबकि सोवियत संघ के जो अगुवाई में बनाया गया था वो था वारसा संधि या फिर वारसा पैक्ट, ध्यान रखना है वारसा संधि या फिर वारसा पैक्ट, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है, बिहार विधान परिषद, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना है 75 है, यानी कि बिहार विधानसभा में 243 है और विधान परिषद में है 75, ध्यान रखना है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट, एक वर्ष में विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक हैं? ध्यान रखना है पे बात आ रही आवश्यक, यानी कि ज़रूरी है एक साल में, एक वर्ष में विधानसभा का कितना अधिवेशन, तो ध्यान रखना है कम से कम 2 अधिवेशन मस्ट है, यानी कि 2 अधिवेशन के बीच जो है मैक्सिमम जो है टाइम हो सकता है 6 मंथ्स, यानी कि 6 माह का टाइम हो सकता है, इसलिए कम से कम जो है वो 2 अधिवेशन आवश्यक है, नहीं तो ऐसे जनरली जो है वो 3 अधिवेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है? मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है, यानी कि उसका रखवाला कौन है? तो ध्यान रखना है मौलिक अधिकार का जो अभिरक्षक है वो है सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो मौलिक अधिकार का अभिरक्षक है, तो ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो ध्यान रखना उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उसकी सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट का जो है वो एज होता है 65 वर्ष, पहले था 62 लेकिन बाद में जो है वो 65 कर दिया गया है, ठीक है। और उच्च न्यायालय के अलावा सर्वोच्च न्यायालय का तो 65 ऑलरेडी पहले से ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला नंबर जो क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया? तो ध्यान रखना अनुच्छेद 1 में कहा गया जो भारत जो है वो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है संविधान निर्मात्री सभा, संविधान निर्माण जो सभा है उसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो प्रारूप यानी कि ड्राफ्ट कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान का पिता भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही कहते हैं, जबकि संचालन जो समिति थे उसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए ध्यान रखना आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? यानी कि यूएनओ का अंग जैसे कि हम लोग जानते हैं 6 अंग है, तो उनमें से जो है महासभा है, सुरक्षा परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है, जबकि यूनिसेफ नहीं, यानी कि यूनिसेफ जो है इसका राइट आंसर होगा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का यहाँ अंग नहीं है पूछ रहा है, तो इसको आप यहाँ सर्कल कर देंगे जहाँ पर भी नहीं वाला क्वेश्चन आए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो है 18 वर्ष, यानी कि 18 साल जो है भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की जो है मिनिमम एज है 18 ईयर्स। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो मौलिक अधिकार जो है ये इसका रखवाला किसे कहा जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। और मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 6 है, पहले था 7, अब है कितना 6, ध्यान रखना आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता अधिनियम, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1955 में, ध्यान रखना 1955 में फर्स्ट टाइम जो है भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दक्षेस, दक्षेस या सार्क, दक्षेस या सार्क का जो है मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय जो है वो काठमांडू में है, ध्यान रखना है सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू में। सार्क को हिंदी में दक्षेस बोलते हैं और सार्क का जो पूरा नाम हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, तो आपको इसको ध्यान रखना है। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन, वो कह रहा है विश्व अहिंसा दिवस, विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं अहिंसा और
अहिंसा के जो पुजारी कहे जाते हैं, ठीक है, सत्य और अहिंसा के पुजारी, किसको? महात्मा गांधी को। तो महात्मा गांधी के जन्मदिन में यानी कि 2 अक्टूबर को ही विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए थे? भारत और चीन के बीच पंचशील जो समझौता हुआ था, इस पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो 1954 में। ध्यान रखना है पंचशील समझौता, इसके बारे में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छी तरह से इसको आप तैयार कर लेंगे। आगे सार्क में कितने सदस्य देश हैं? तो ध्यान रखना 8 सदस्य देश हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन है? मालदीव है, श्रीलंका है, भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, फिर भूटान है, और फिर बांग्लादेश है। तो ध्यान रखना है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि सार्क में कितने सदस्य हो जाएंगे? सार्क के अध्यक्ष में तो 8 सदस्य, ध्यान रखना है। और जबकि आसियान में कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य हैं, ठीक है, ध्यान रखना। आपको आसियान के सदस्य को भी नोट डाउन कर लेंगे, उसमें है म्यांमार, थाईलैंड, ठीक है, म्यांमार है, उसके बाद थाईलैंड है, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम है, उसके बाद मलेशिया है, ब्रुनेई, सिंगापुर, इंडोनेशिया और फिलीपींस। ध्यान रखना ये 7 जो है, ये 10 जो है, 10 सदस्य हो जाएगा, जबकि सार्क का कितना सदस्य है? 8, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ध्यान रखना है द्विराष्ट्र सिद्धांत तो ये जिन्ना ने किया था, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में, ध्यान रखना है। अगला, भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? तो भारत के संविधान में, जैसे कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ, ठीक है, लेकिन जो पहला संविधान संशोधन हो गया था वो 1951 में, यानी कि 1951 में, यानी कि जस्ट 1 साल बाद जो है भारत के संविधान में पहला संशोधन हुआ था। तो ये जो है मॉडल सेट था पहला पॉलिटिकल साइंस का। आपको ज़्यादातर क्वेश्चन जो है इन्हीं 3 मॉडल सेट्स में देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इन्हीं 3 मॉडल सेट्स से ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा, यानी कि आप 50% क्वेश्चन को तो आसानी से सॉल्व कर ही सकते हैं, ठीक है, यानी कि आपको तो 50% क्वेश्चन का ही आंसर देना है, तो आप आसानी से इसको एक बार पढ़ लेंगे तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो आपको मतलब क्वेश्चन दुगुना दिया था उसमें से आधा का ही देना है, ठीक है। तो किन्हीं 5 प्रश्न के उत्तर देना है, 10 क्वेश्चन है, इसमें से किन्हीं 5 प्रश्न के उत्तर देना है। पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बहुदलीय व्यवस्था क्या है, तो इसको आप तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? डायरेक्ट जो डेमोक्रेसी है इससे आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट है, भूमंडलीय तापन क्या है? अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं 2 उद्देश्यों को बताएं? तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं 2 उद्देश्यों को बताएं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लेंगे। आगे, गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के 2 उद्देश्यों को लिखें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह है, आसियान के उद्देश्य क्या है? आसियान के उद्देश्य, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आसियान के क्या उद्देश्य हैं? शिमला समझौता क्या है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट है, प्रदूषण के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। आगे है, अयोध्या विवाद से आप क्या समझते हैं? तो ये कुछ जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहा, ठीक है। अब हम लोग लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें जो है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिलना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। राष्ट्रपति शासन किन परिस्थितियों में लगाया जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति शासन जो है किन परिस्थितियों में लगाया जाता है? आगे, कश्मीर समस्या पर एक निबंध लिखें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे, विश्व शांति की स्थापना में संयुक्त राष्ट्र की या संघ की भूमिका का वर्णन करें, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो है हम लोग पॉलिटिकल साइंस का पहला जो मॉडल सेट था उसको हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और ऐसे फिर आगे आपको जो है पॉलिटिकल साइंस का दूसरा जो है मॉडल सेट आपको मिल जाएगा बहुत जल्द। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक तैयारी करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।